गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनु स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। मेरे दोस्त हो चुके हैं सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी था मां का। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि आज आपके कवर होने वाले आपके ईडीएम एंड फ्रेजेस। खास बात यह है क्योंकि अब आपके एसएससी के एग्जाम बिल्कुल आपके हाई पॉइंट पर है, बिल्कुल आपके एकदम सर पर आ चुके हैं, तो उसको देखते हुए सारा जो जोर है, जो सारा शोर है, वो आपके एसएससी के एग्जाम पर लगा दिया गया है। तो ये जितने भी आपके ईडीएम्स आएंगे, सबसे खास बात ये रहने वाली है कि वो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। और आप जैसे कि जानते हैं कि एसएससी अक्सर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस जो है वो काफी रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, अपनी बात को शुरू करेंगे। और आज हम है ना इमेज को यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ईडीएम फ्रेश का सेक्शन था तो थोड़ा इमेज थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कह दो कि थोड़ा सा इररिलेवेंट हो रहा था, है ना। लेकिन कोशिश कुछ नया करने की करेंगे। जितने भी ईडीएम आएंगे उनको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे और मैं बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर ईडीएम आप कहां यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सारी बातें करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सर से बोलूंगा सर पहला क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग पहले क्वेश्चन के लिए। ओके, तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, आपका पहला क्वेश्चन है आर डार्क हॉर्स। क्या है आपके सामने पहला क्वेश्चन? आर डार्क हॉर्स। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि बहुत लंबी बात नहीं कर रहे हैं, अभी पिछले सालों की बात है। ये आपका 2016 में आया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की तरफ, तो आर डार्क हॉर्स का जो मीनिंग होता है उसे आप कह सकते हैं बिल्कुल आसान और शुद्ध और देसी लैंग्वेज में, कहते हैं ना छुपा रुस्तम निकला, वो कहते हैं ना कि यार ये तो छुपा रुस्तम निकला है ना, पता नहीं कैसे जीत गया, पता नहीं कैसे फर्स्ट आ गया है ना। मान लो क्लास में तीन टॉपर हैं और मतलब हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड आते जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है लास्ट टाइम पर, कभी कभार होता है आपने फील किया होगा कि कोई जो चौथा होता है वो आ जाता है फर्स्ट, और हम क्या बोलते हैं भाई यार इसकी तो उम्मीद नहीं थी, ये फर्स्ट कैसे आ गया। तो वो ये फर्स्ट कैसे आ गया के लिए आप यूज करोगे आर डार्क हॉर्स, दैट इज एक, जिसको बिल्कुल मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो अप्रत्याशित विजेता। ऑप्शंस की तरफ मैं अगर मैं जाऊं तो यहां ऑप्शन नंबर जो दे रखा है एन अननोन एंट्री, यानी कि एक अप्रत्याशित एंट्री, यानी कि अगर यहां पर विनर भी होता है एंट्री की जगह तो भी आपका सही था, तो यानी कि एक अप्रत्याशित विजेता को हम क्या बोलते हैं आपका आर डार्क हॉर्स, क्या बोलते हैं अप्रत्याशित विजेता। क्लियर हो रही है बात, है ना। ऑप्शंस की तरह मैं बढ़ूंगा तो कौन सा रहा ऑप्शन ऐड हो जाएगा यहाँ पर एन अननोन एंट्री, कौन सा हो जाएगा यहाँ लिख देता हूं एन अननोन एंट्री। हालांकि आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप वहां से देख भी सकते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको याद कैसे करना है, जो भी आपके आसपास कभी भी आपने फील किया होगा, जो जैसे अब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर किसी का सिलेक्शन हो जाए और आपको उम्मीद ना हो तो आप बोलोगे भाई ये तो कैसा है डार्क हॉर्स है। क्लियर हो रही है बात। चलिए ओके, तो जैसे कि हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने एज द क्रो फ्लाइज। क्या है हमारे सामने एज द क्रो फ्लाइज। देखो इसको याद करने का आसान जो तरीका ये है कि आप कभी भी क्रो को उड़ते हुए देखते हैं तो वो कैसा उड़ता है, बिल्कुल स्ट्रेट उड़ता है। क्रो के अंदर क्या खास बात रहती है, अब आप ये मत बोलना कि सर जी जब वो टर्न आता है तब भी वो ऐसे जाकर ऐसे होता है, भाई नहीं। हम मानते हैं कि जो क्रो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट उड़ता है, या नहीं भी मानते होगे तो आप हाथ से मान लो, तो आप अब जब भी कभी आप क्रो को देखोगे उड़ते हुए तो आप क्या बोलोगे, उसको सोचो, माइंड में इमेज बनाओ। अब आपको मेरे सामने एक काम करना है, आज हमारे पास इमेज नहीं है लेकिन हम जो चीजों को इमेजेस से ही जोड़ेंगे, इमेजेस से अपनी एज्यूम करेंगे भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो क्रो आपके सामने आ गया, मैंने आपसे बोला एज द क्रो फ्लाइज, अब आप क्रो को याद करो, देखो कि आसपास आपके क्रो कहीं उड़ रहा होगा। अब आप ये नहीं कमरा छोड़ के बाहर चले जाओ कि कौवा देखना है, मेरे को क्रो देखना है, नहीं। आप इमेजिनेशन करो और सोचो कि क्रो कैसा फ्लाई करता है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो क्रो कैसा फ्लाई करेगा आपका, बिल्कुल स्ट्रेट। तो याद रखेंगे एज द क्रो फ्लाइज, यानी कि कैसा उड़ना, बिल्कुल सीधा उड़ना इन अ स्ट्रेट वे, दैट इज ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इन द स्ट्रेट वे, वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा उड़ना। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। तो क्या हो गया एज द क्रो फ्लाइज इन अ स्ट्रेट वे, बिल्कुल सीधे वे में। तो ये तो
एग्जाम्पल था आपके सामने इन स्ट्रेट वे, यानी कि कोई भी बात जो बिल्कुल सीधी हो उसको आप क्या यूज कर सकते हो इन स्ट्रेट वे। क्लियर हो रही है बात? चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, she paid a flying visit to Mumbai to see her ailing father. अब देखिए आपके सामने idiom आ गया a flying visit, क्या आ गया a flying visit। अगर आप newspaper वगैरह पढ़ते हो है ना English वाला, तो आपने ये वाला idiom देखा होगा वहां पर। बहुत बार ये use होता है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो flying visit पर गए हैं दूसरे देश में एक छोटे एक संक्षिप्त दौरे के लिए, क्या आता है आपका a flying visit। तो आप इसको एज आप पीएम बन के याद करना कि हमारे जो पीएम है वो अलग अलग देशों में जाते हैं, तो कभी कभार उनका जो दौरा होता है वो छोटा सा होता है, एक संक्षिप्त दौरे पर हो जाते हैं, तो आप वहां से याद कर सकते हैं अ फ्लाइंग विजिट, दैट इज अ वेरी शॉर्ट विजिट। क्या हो जाएगा? अ शॉर्ट विजिट। हाँ, अ शॉर्ट विजिट। तो आपका जो शॉर्ट विजिट है वो इसको क्या बोले रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल सही। क्यों, क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अ वेरी शॉर्ट विजिट is the right answer of the idiom of flying visit। clear हो रही बात? एक छोटा संक्षिप्त दौरा, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं एक छोटा संक्षिप्त दौरा, उसको आप क्या बोलते हैं flying visit। clear हो रही बात? तो आप इसको आप flying visit वाले को कैसे याद करेंगे, PM से। crow को कैसे याद करेंगे, उड़ते हुए, ठीक है। और dark horse को कैसे याद करेंगे, जो आपका छुपा रुस्तम जो दोस्त होगा। clear, तो तीन आपको याद हो गए बिल्कुल आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। पढ़ते हैं सर नेक्स्ट। देखो idiom भी आपको समझाए जा रहे हैं ताकि आप चीजों को और बेहतर तरीके से याद कर सकें, ठीक है। शाबाश। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, when it comes to the dancing he is all thumbs। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, all thumbs। क्या है आपके सामने? all thumbs। ये क्या होता है, इसको कैसे याद करना है? All thumbs, all thumbs को आप जो all thumbs का जो meaning होता है वो होता है आपका बेढंगा। कैसा होता है? बेढंगा। क्या बोलते हैं आप all thumbs को? बेढंगा। कहते हैं ना ये बिल्कुल बेढंगा है, बेकार है, इस तरीके से हम all thumbs को represent करते हैं। Options की तरफ बढ़ो तो option number जो मेरा A दे रखा है clumsy, वो मेरा यहाँ पर right answer हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा जब भी कभी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर एक जैसा हम कहते हैं ना कि यार इसको कुछ नहीं आता, तो वो कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अरे ये तो अंगूठा टेक है। या बड़े बुजुर्ग को छोड़ो, आपने प्रैक्टिकल सुना होगा कि भाई ये तो अंगूठा टेक है, इसे तो कुछ भी नहीं आता, इसे तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये तो अंगूठा टेक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये जो अंगूठा टेक है आप यहां से अगर याद कर लो, ऑल थम्स अंगूठा टेक, हालांकि अंगूठा टेक से ऐसा कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है बेढंगा, लेकिन हमको याद करना है तो हम तब इस चीज को इस तरीके से याद करेंगे ना कि ऑल थम्स मतलब अंगूठा टेक है, अंगूठा टेक मतलब कैसा होगा, जो बेकार हो, बेढंगा हो, क्लमजी हो, तो वहां से अपन का सेंस क्या आ जाएगा अंगूठा टेक से, क्या क्लमजी का। और अंगूठा टेक कहां से आएगा, अंगूठा टेक आएगा आपका थम से देख करके। अच्छा ऑल थम्स, अरे सर ने बताया था, अरे ऑल थम्स, अरे अंगूठा टेक, अरे अंगूठा टेक क्या, अरे जो क्लमजी है, जो बेढंगा है। क्लियर हो रही है बात? तो यहां से आप ऑल थम्स को याद कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है आपका हाँ ओके शाबाश, सभी लोग इसका बताएंगे, ऑल मूनशाइन, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया, योर रिपोर्ट ऑफ मैटर इज ऑल मूनशाइन। क्या आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, ऑल मूनशाइन। देखिए आप इसके ऊपर बात करते हैं, कौन सा आ गया आपके सामने, ऑल मूनशाइन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल मून शाइन। ऑल मूनशाइन का आपका जो मीनिंग होता है, ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ू उसको समझाऊंगा अभी, कौन क्या आपके सामने, कौन कॉक्टेड है ना, क्या है आपके सामने, हाँ स्पेलिंग सही है, हाँ कौन कॉक्टेड। देखिए ऑल मूनशाइन का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है मनगढ़ंत को, क्या मनगढ़ंत, मनगढ़ंत, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका मनगढ़ंत। जैसे आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, ऑल मूनशाइन को आपको याद करना है, पहला क्वेश्चन आपका कि भाई सर इसको याद कराइए। देखिए
कहते हैं ना, जब मान लो आप कहीं से, कभी कभार कोई आपका फ्रेंड होता है, वो क्या करता रहता है कि मान लो वो गया कहीं घूमने उमने, वो गया तो जगह थोड़ी सी मतलब छोटी सी जगह पर घूमने और तारीफ करने लगा बड़ी बड़ी जगह कर, देखो गया था तो मतलब आस पास ही, और कहने लगा मैं गोवा घूम कर आया हूँ, या मैं विदेश घूम कर आया हूँ, या मैं बाली घूम के आया हूँ। तो क्या करने लगता है, अपने तरफ से मनगढ़ंत कहानी को बताने लगता है कि अरे सुन वहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर ये था, वहां पर वो था, मैं उस होटल में गया, मैं फ्लाइट से गया, मैं ऐसे गया। ये अच्छा आ गया एग्जांपल कि मान लो गया तो वो ट्रेन से था और वो फेक नहीं लगा, क्या कि मैं फ्लाइट से गया था। तो वो मनगढ़ंत बातें आपको बता रहा है, आप क्या कर रहा है, वो कौन कॉकटेड है ना, तो आप क्या कर रहा है, वो कौन कॉकटेड कर रहा है, यानी कि आपको वो मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। मनगढ़ंत कहानी को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, मूनशाइन से। अगर कोई ऐसा हिंट मिल जाए आपको कि आप मूनशाइन को पकड़ सको कौन कॉकटेड से, तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो बचपन में आपने कहानियां सुनी होंगी चंदा मामा की, चंदा मामा की जितनी भी कहानियां हैं कोई रियल थोड़ी ना है, हो सकता है किसी को रियल लगे और हो सकता है किसी को फेक लगे, है ना। तो आप याद कर लेना कि बचपन में बहुत सारी कहानी बनाई गई चंदा मामा के लिए लेकर, तो चंदा मामा की जितनी भी कहानी थी वो कैसी थी भाई, वास्तव में कैसी है, मनगढ़ंत थी, जाए उनको बनाया गया आपको हंसाने के लिए, आपको अच्छी जो है, हमारी मम्मी कैसे कैसे करती है, चंदा मामा की कहानी सुनकर के आपको नींद आ जाती है। तो ये सारी कहानी कैसी होती है, मनगढ़ंत होती है, यानी कि उनको बनाया जाता है, ठीक है, कौन कॉन्क्रीट किया जाता है, क्लियर हो रही बात। बढ़ते हैं आगे, तो काफी बात हो गई इसके बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया, हार्ड नट टू क्रैक, है ना, हार्ड नट टू क्रैक, ये बड़ा बढ़िया है, हार्ड नट टू क्रैक। देखो इसको आपको याद कैसे करना है, इसको याद करो आप, जो आपका अखरोट होता है ना उसको तोड़ना आसान है भाई, उसको तोड़ना आसान है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आप अखरोट का हाथ से तोड़ दो, हो सकता है बहुत सारे बलशाली हो आपके अंदर तोड़ दें इस क्लास में, है ना, लेकिन जरूरी थोड़ी ना हर कोई तोड़ पाए भाई, मैं तो तोड़ ही नहीं पाऊंगा, वैसे भी हाथ बड़े छोटे छोटे से हैं, है ना। तो कैसे कैसे होगा, हाँ कैसे याद कर सकते हैं भाई, अखरोट को तोड़ना ना बड़ा मुश्किल सा है, तो वहां से आप याद कर लेना कि ये कैसा है, हार्ड नट टू क्रैक। तो नट को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वर्ड में से चीजें पता चल रही है, जैसे कि मून वाली बात आई तो आपने याद कर लिया, अच्छा मून है तो मून से रिलेटेड सारी कहानी कैसी होती है, मनगढ़ंत होती है, तो वहां से याद हो गया। अभी नट वाला आइडियम आया, अच्छा नट को तोड़ना तो बड़ा मुश्किल होता है, अच्छा मुश्किल होता है तो मुश्किल तो इसी का आंसर है। तो आप देख रहे हैं कभी कभार ईडियम से ही हमें आंसर मिल जाता है। सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, क्या है, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, है ना। अब समझो मेरी बात को, चिप आपने सुना होगा, मोबाइल फोन में चिप होती है, अब जो मोबाइल फोन के फंक्शंस होते हैं वो चिप में आ जाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो आपको हमेशा याद हो जाएगा, और आपको कुछ चीज़ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़नी है, आप क्वेश्चन देखोगे आपको मेरी बात हमेशा याद आ जाएगी। तो चिप जो फोन में होती है, आपका मेमोरी कार्ड होता है, उसमें मोबाइल के सारे फीचर्स आ जाते हैं, सारी जो मोबाइल आपका डाउनलोड करता है वो सारा आ जाता है उसमें। तो यानी कि आप चिप चिप कौन है, हम लोग, और मोबाइल कौन है, हमारे जो पेरेंट्स हैं। तो यानी कि जो पेरेंट्स के अंदर जो चीजें है ना वो हमारे अंदर आ जाती हैं, यानी कि जो चिप है वो फोन से कनेक्टेड है, यानी कि आपकी जो चिप है, अगर आपकी जो चिप है, आपका जो मेमोरी कार्ड है, वो आपके फोन से कैसा हो जाता है, जुड़ जाता है ना, और इसकी बहुत सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं। ऐसे ही ये तो आपके क्या हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ये आप हो गए, ये क्या हो गए, आप हो गए। तो आपके पेरेंट्स के बहुत सारे कैरेक्टर आपके अंदर है ना, होते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसलिए कहेंगे अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, यानी कि जो अपने कुछ कैरेक्टर अपने फादर्स के आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जिसके बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर से, यानी उसकी जो आदतें हैं, उसकी विशेषताएं उसके फादर से हो, फादर से मिलती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो ये आपका बड़ा आसान हो गया, ये तो आपके फादर हो गए, ये आप हो गए, तो सारी जो मोबाइल और चिप से याद रखो, आपको हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लो अभी तक जितने भी ईडीएम आए ना, सारे आपके ईडीएम को देखकर याद हो गए, हमें कोई अलग से लिंक नहीं करना पड़ा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्या है आपके सामने अगला क्वेश्चन, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, समझ में आ रही है बात यहां तक। हाँ,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया, सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट। देखिए ये जो है आपको लेना है अपने ऊपर, क्योंकि देखिए लाइफ में हर कोई क्या है, इरेगुलर है, रेगुलरिटी बहुत कम लोगों के अंदर होती है। अगर 100% है तो 10% लोग इसमें रेगुलर होते हैं, आपको रेगुलर बनना है। तो आप इसको याद रखिए प्रैक्टिकल तरीके से, क्या आपका क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो याद रखेंगे ये आपको कैसे याद करना है कि हमारे अंदर जो बाय फिट्स एंड क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट है, यानी कि आप इसको ऐसे याद करो कैसे कि हाँ हमारे अंदर जो पढ़ने की आदत है, अरे आज पढ़ लिया 2 घंटे, कल को नहीं पढ़ा, अगले दिन सो ही गया, अगले दिन घर चला गया, अगले दिन दोस्त के भाई की शादी थी उसमें चला गया, अगले दिन दोस्त के भाई के दोस्त की शादी थी तो उसे भी जाना क्योंकि बहुत जरूरी है मेरा जाना, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा नहीं तो दोस्त के भाई का जो दोस्त है वो शादी नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, हम क्या सैक्रीफाइस नहीं करते, जब हम सैक्रीफाइस नहीं करते हैं तो हमारा एग्जाम हमें सैक्रीफाइस कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो हमारे अंदर जो फिट्स एंड स्टार्ट्स है हमारे अंदर, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, हो सकता है बोर भी हो रहे हो लेकिन आप यकीन मानो आपको याद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि हमारे अंदर जो फिट्स एंड स्टार्ट्स हैं, जो चीजें हैं हमारे अंदर, वो हमारे अंदर इरेगुलर है और हमें उन इरेगुलर चीजों को क्या करना है, अपन से दूर करना है। हमें अपने अंदर क्या लानी है, रेगुलरिटी लानी, क्लियर हो रही है बात। तो आप इसको याद करेंगे खुद से। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा आपका, डी, यानी कि इरेगुलरली, क्लियर हो रही है बात। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये आ चुका है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, कैरी आउट। देखिए कहते हैं ना कि उस काम को पूरा करो, जब किसी भी काम को पूरा करने के बारे में बात आती है तो आप यूज करते हैं क्या, कैरी आउट। क्या यूज करते हैं आप, कैरी आउट। याद रखेंगे जब किसी भी काम को पूरा करने के बारे में बात आती है तो आप क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। जैसे कि मैं आज आपसे बोलूंगा कि आज आपको जो आपने मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे को जो मैंने वो कैब कराई है, आज आप तीनों क्लासेस की वोकैबुलरी को 2 दिन आपके सरोनियम कराए हैं और आज ये करा रहा हूं मैं आपको ईडीएम करा रहा हूं, इन तीनों क्लास की वोकैबुलरी को आपको कैरी आउट करना है, यानी कि आपको इनको पूरा तैयार करना है, इसको पूरा करना है, क्लियर हो रही है बात। तो आप मेरी बात को याद रखना कि सर ने हमसे बोला है कि आप सभी को सारी वोकैबुलरी क्लासेस को कैरी आउट करना है। आपकी लगभग 150 क्लास हो चुकी है, जाओ प्लेलिस्ट में ढूंढो, सारी क्लास करो, आपको आपके एग्जाम में यहां से बहुत कुछ दिखाई देने वाला है। तो याद रखना कैरी आउट हो गया मीनिंग है कंप्लीट समथिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, सॉरी कैरी आउट क्या है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दे रखा है कंप्लीट समथिंग, वो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर कंप्लीट समथिंग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। अब देखो एक बात बताओ, जब आप मान लो पढ़ रहे हो, मान लो मेरे सामने ये किताब रखी है, ये मान लो मेरे पास कोई ऐसी कोई कॉपी रखी है ना, तो मैंने क्या काम किया, मैं पढ़ रहा हूँ, मान लो मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जब तक ये बुक मेरी खुली हुई है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें से। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी किताब को बंद रखा, अरे राम बहुत पढ़ाई हो गई आज, अब तो आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना ऐसा है काफी है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड रुकना आप। हाँ तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था, जैसे आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी 10वां क्वेश्चन हमारा तो लास्ट है, तो मैंने आपसे बोला अरे यार ठीक है ये, अरे मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने किताब क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जैसे ही मैंने किताब को बंद किया और यहां रखा, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने अपने काम को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, अब जो है मैं और नहीं पढ़ूंगा, मैंने अपने काम को जो मैं काम कर रहा था उसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर क्या हुआ, क्लोज द बुक ऑन का मतलब क्या होता है, क्लोज द बुक का मतलब क्या होता है, ऑन ही है, क्लोज द बुक का क्या मतलब होता है, जैसा कि स्टॉप वर्किंग ऑन, यानी कि क्या किसी भी काम को रोक देना, बंद कर देना, आपका क्या होता है, क्लोज द बुक। 10वें का आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आपका बी ऑप्शन है वो आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी मैं समझ में आई। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आज आपको जितने भी आपके कराए गए हैं, ठीक है, जितने आपके क्वेश्चन कराए गए हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से याद हुए होंगे, आपको मजा आया होगा। और अगर मेरे प्यारे साथियों अगर आपको मजा आया तो आप सभी लोग जो है अपना फीडबैक प्लीज दीजिएगा, है ना, या आपसे मतलब एक जो है कहते हैं ना कि एक जो गुरु दक्षिणा होती है वो चाहिए होती है, तो ये जो आपका फीडबैक है
वो आप एज ए गुरु दक्षिणा की तरह अपने जो टीचर है आपका, अगर मैं आपको गुरु मानते हूँ मुझे दिल से, तो आप लोग जो है वो फीडबैक जरूर दिया करो। फीडबैक में क्या होता है, आप बस आपको ये बताना रहता है कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो हमारा क्या है, मोटिवेशन है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे क्या आपको मोटिवेशन मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी लोग लाइक कर देंगे, और वीडियो के लास्ट में जाकर के आप कमेंट जरूर करेंगे और ये जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो बस ऐसे ही मिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। रात 11 बजे आपकी क्लास होती है मैराथन, सुबह आपकी 12:30 बजे वो कैब, दोनों को लेना ना भूलें, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।